हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं फिफ्थ क्लास की इंग्लिश का नाइन्थ चैप्टर सिंग आ सॉन्ग ऑफ पीपल इस पॉइंट में हमने देखा इसमें सिटी लाइफ सिटी में कैसे लोग बिजी रहते हैं क्या क्या वो करते हैं वो डिस्क्राइब किया गया है अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज़ टू अराउंड द सिटी कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया गया है इन द सिटी पीपल यूज़ कार टैक्सीज बस बसीज ट्रेन ट्रम्स रिक्शाज एक्सेट्रा टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद दैम वायल मूविंग अराउंड वो क्या लिए होते हैं ंग अराउंड पीपल कैरी बैग्स ब्रीफकेसूटकेस एक्सेट्रा नेक्स्ट देखे वे आर ऑल दर ऑल डू यू फाइंड दिज वेरी बिजी पीपल अपने कहाँ कहाँ ऐसे बिजी पीपल को देखा है जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं आई फाउंड ऑल दिजी बिजी पीपल्स On roads, on bus stops, on sidewalks, in market, etc. Next question is, where you have seen crowd of peoples? कहाँ कहाँ पे आपने इतनी क्राउड देखी है? कहाँ कौन-कौन सी वो जगह है तो वो है, I have seen crowds of people at railway station, bus stands. शॉपिंग मॉल्स स्टेडियम सिनेमा हॉल्स फेयर्स एक्सेट्रा रेलवे स्टेशन पे भी बहुत भीड़ होती है बस स्टैंड शॉपिंग मॉल स्टेडियम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन हरी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो सारे जो पीपल हैं वो जल्दी में होते हैं बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंगस एंड हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपोजिट वर्ड्स देखने हैं अपोजिट स्लो का अपोजिट होता है फास्ट स्लो फास्ट बैक फ्रंट नेक्स्ट इज बैक का मतलब होता है पीछे के और फ्रंट नेक्स्ट बिलो बिलो का अपोजिट होगा अबो लाउड स्लो अप डाउन टोल शोर्ट क्राउड अलोन क्राउड होते भीड़भाड़ अलोन अकेला गो कम गो मींस जाना कम मीन्स आना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पीपल ऑफ द पीपल सॉरी द पीपल हुज लाइव हु हुई हुटीज ऑफ ऑन विस दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स जो शहरों में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम ऐसी शांत सी जगह रहें डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन टेल योर पार्टनर टू थिंग्स यू लाइक एंड यू डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन ऐसी दो आपको बताना है जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी दो बातें ऐसे बताओ जो आपको पसंद है दो बातें ऐसे बताओ जो आपको पसंद नहीं है इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है आई लाइक आई लिव इन द सिटी आई लाइक द प्लेस वेहर आई लिव देर इज़ अ डेवलप्ड डेवलप्ड पार्क विद ग्रीन ट्री एंड टोल

बट ये थे उसके जो उसको वहाँ की चीज़ें पसंद हैं अब जो उसको पसंद नहीं है वो देखते हैं वाई आई डोंट लाइक हाउ एवर आई हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच माई डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा इट इज़ वेरी नियर टू स्लम एरिया सो देर इज नो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर स्लम एरिया वहाँ पे है तो वहाँ पे प्रॉपर लॉ और ऑर्डर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Did you observe that in the poem the last word in every second and the fourth line rhyme with each other? Can you recite a four line poem? Deekho. I live in a tall building like a bird in the nest. Here I study and here I rest. The next question is.

Live in our country, we do not we do not have enough enough land for all people on the earth. There is a there is not enough food and water for all the people. Okay, people Next question is interview your teacher and get her responses for the following question. वाई डिड यू बिकम अ टीचर आप अपने टीचर से पूछो कि वो टीचर क्यों बने मेरा रिस्पॉन्स क्या हुआ आई बिकम अ टीचर बिकॉज़ आई लाइक टीचिंग हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे मैं कैसे जाती हूँ स्कूल में आई कम टू स्कूल बाई एन ऑटो रिक्शा डू यू हैव अ पैट यस आई हैव अ पैट यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पैट नहीं है नो आई डोंट हैव अ पैट ठीक है What kind of books do you like to read? I likes to read I like to read current events. What are your hobbies? My hobbies are reading books, newspaper, traveling and surfing internet. Next question is Now write a paragraph about your teacher with the information you have gathered. ऐसी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है माई टीचर के बारे में आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माई टीचर से सी बिकम अ टीचर बिकॉज सी लाइक टीचिंग सी हैज़ टू कम स्कूल डेली बाय एन ऑटो रिक्शा सी हैज़ अ ए डोग एज पैट्स ये लिख भी सकते हैं कोई नहीं रखता तो आप नहीं लिखेंगे सी इज़ अ गुड रीडर सी लाइक्स टू रीड करंट इवेंट्स हर हॉबीज़ आर रीडिंग ट्रैवलिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट इसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं थैंक यू